ऑलराइट भाई लोग, फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। हर बार की तरह द उसोस ने फिर से रोमन रेंस को नाराज कर दिया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ आज के शो के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से, और वो आते हैं ऑडियंस को कहते हैं एक्नॉलेज करने को। नेक्स्ट इसके बाद हमारे केविन ओवंस और सेमी जेन आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे रोमन रेंस कहते हैं चल अब तुम आ गए हो तो एक्नॉलेज करो मुझे। लेकिन केविन ओवंस और सेमी जेन एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे रोमन रेंस को। साथ ही साथ ऑडियंस शेयर कर रही थी कि केविन ओवंस अटैक करे रोमन रेंस पे, तभी रोमन रेंस सोलो सिकोवा को आगे कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें केविन ओवंस सेमी जेन रोमन रेंस के बीच प्रोमो देखने को मिलता है। सेमी जेन रोमन रेंस से कहते हैं फाइनली हम एलिमिनेशन चेंबर के बाद से अब मिल रहे हैं। रोमन रेंस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना सबसे प्रीसियस टाइम दिया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हारा आसी चैंपियनशिप छीनने वाला हूं। सेमी जेन कहते हैं यह चैंपियनशिप तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाली है और उसोस तुम्हारे से ज्यादा बेटर है। रोमन रेंस कुछ कहते हैं कि केविन ओवंस और सेमी जेन पे द उसोस अटैक कर देते हैं और रिंग के बाहर ले जाके मारते हैं। फिर दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि रोमन रेंस उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। जिमी उसको रोमन रेंस से हाथ मिलाने आते हैं। रोमन रेंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं इससे बात कर रहा था और तुमने मेरी बिना परमिशन के इस पे अटैक कैसे किया। रोमन रेंस इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो जाने लगते हैं कि जो सोलो सिकोवा का शोल्डर है वो रोमन रेंस के शोल्डर से टकरा जाता है। अगर आपने ये मूवमेंट देखा होगा तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा से डर रहे थे। रोमन रेंस बैक स्टेज भी यही कह रहे होते कि तुमने मेरी बिना परमिशन के अटैक कैसे किया, चलो अब यहाँ से निकल जाओ। रोमन रेंस खुद ही ब्लड लाइन में दाउस को रखना नहीं चाहते। वैसे क्या आपका ओपिनियन है कमेंट सेशन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।